आज हम देखने जा रहे हैं ये करंज का पेड़, जिसके पत्ते हम नेचुरल फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं और इसके बहुत ही उपयोगी गुण हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर शायद मैं ढूंढती हूँ, हाँ है, ये देखिए यहाँ पे ही इसके सीड्स गिरे थे, इसके ये पौधे बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन पौधों को उखाड़ के मैं अलग अलग जगह पे इसको प्लांटेशन कर दूँगी, ताकि ये जो है बढ़े सब जगह पे। इट्स अ वेरी गुड आर इंडियन टी और ट्री है, और इसके साथ में इसके उपयोग बहुत बहुगुणी है। ये देखिए, ये है करंज का पेड़, बहुत बड़ा होता है और इसके बीज जो होते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको इस तरह से। अगर आपको कहीं ये मिल जाते हैं तो इनको, ये तो अभी सूख गए हैं, और ये देखिए, वाओ, ये देखिए इसमें से दो प्लांट्स निकल रहे हैं। मेरे लिए और थोड़ा आसान हो गया, ये तो टूट गया है, तो आई कैंट यूज दिस, बट आई विल श्योर यूज दिस ऑल दिस। ये मैं इसको यूज करूंगी। इसका जो है ना, आयुर्वेदिक पेड़ भी है, ये बहुत गुणकारी पेड़ है। तो इसको जो है जो लेडीज को मंथली पीरियड्स होते हैं कि में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इसका पेड़ का उपयोग, पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्किन एलर्जी के प्रॉब्लम्स है, इस वक्त मैं ये पौधे पत्ते इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि हम सैनिटाइज़र बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इचिंग वगैरह अगर आपको महसूस हो रहा है, तो अब मैं इन पत्तों को तोड़ के अपने नहाने के पानी में गर्म करके फिर उससे मैं स्नान करूँगी। ये जो है, ये जो बीज है ना, बीज में से ऑयल निकलता है जिसका नाम है होता है करंज ऑयल। आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप में ये मिल जाएगा, करंज ऑयल। अगर आप उसको लगाते हो तो बहुत सारी स्किन एलर्जीज वगैरह ठीक हो जाती है। दिस इज़ अ आयुर्वेदिक पेन किलर, तो बेटर है मेरे घर में अगर मुझे ये उपलब्ध है तो मैं इसको डायरेक्ट पत्तों के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत बार हमें कहीं पे पेन भी हो जाता है, कुछ होता है, तो दिस इज़ वेरी नाइस पेन किलर। इनकी पोटली बनाकर आप गर्म पानी में डालकर, कपड़ों के अंदर एक पत्ते डाल के पोटली बना के आप सिकाई भी कर सकते हो जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। पर अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बना दीजिए, तेल लेके आइए, करंज का तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, एंड यू कैन यूज़ इट। बट आई विल सजेस्ट दैट बेटर यू ग्रो वन प्लांट इन योर एरिया, वट एवर एरिया इट इज़ देयर, पार्क या आसपास में कहीं पे भी जगह है तो आप मिलकर के इस पौधे को लगाइए और इसको फैलाइए।